चाहिए ना चाहिए नहीं चाहिए तो मोदी जी की सरकार लाइन जैसी है सारी सुविधाएं बिजली है सब सुविधाएं मगर बीच में जो ट्रांसफॉर्मर है ना वो जल बिगड़ है वो तो ट्रांसफॉर्मर मुख्य संगमा का है मेघालय सरकार ट्रांसफॉर्मर जल जाता है तो उसको क्या करते हैं बदलना पड़ता है ना जरा जोर से बोले बदलना पड़ता है ना तो आप भी ये चले हुए ट्रांसफॉर्मर ये मेघालय सरकार को बदल दीजिए आप सबको हमारा नमस्कार और मेरे साथ आज मेरे वरिष्ठ कोलीग सहयोगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेघालय पीसीसी के अध्यक्ष श्री विंसेंट पाला जी हैं आपने वीडियो पर जो देखा उसी के बारे में चर्चा करने को हम लोग आए हैं क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह है मेघालय की सरकार का उनके बारे में हमने क्या कहा वो तो जुदा बात है लेकिन उनके बारे में बीजेपी के महानुभावों में क्या क्या है वो आपके सामने और अब वो इस सरकार का हिस्सा बनेंगे सो आई विल हैंड ओवर द फ्लोर टू माय सीनियर कोलीग श्री विंसेंट पाला जी हु दी द पीसीसी इन मेघालय एंड वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू स्पीक टू यू अबाउट द गवर्नमेंट फॉर्मेशन दट गोइंग टू हैपन इन मेघालय एंड द ऑफ थिंग्स द बीजेपी सेट ड्यूरिंग द कैंपेन ऑन करप्शन एंड वॉट एग्जैक्टली आर टर्निंग अप टू डू thank you and good afternoon everyone. i just would like to remind the bjp and all of you here that you have seen in the video that what the bjp has said during the campaign and uh, what is after the results. so the bjp and its allies, npp and other parties, it's a marriage of convenience what they have said that uh, the np is the most corrupt party in india what they have said the other parties also the honorable prime minister has come to meghalaya the honorable home minister has come to meghalaya and the president of the bjp has come to meghalaya all of them abuse accused the npp but after the results when the BJP got only two seats out of sixty seats, then the next day they joined together. So this is what the bgp is—how they fool the people of India, and how they fool the people of Meghalaya. That's why I think what they have given in the manifesto, what they have preached, or what they have uh, done during before the election during the campaign is all—they betrayed the people. It's a false promises, and uh, today. BJP is behind NPP. They have given a threat to the regional party just so that all of them will come with them. BJP did not increase their vote share in Meghalaya. They had more than 9.5% throughout the elections, be it in the general elections in the Lok Sabha or be it in the uh, Legislative Assembly. So, whereas Only two seats. The Honorable Prime Minister is coming tomorrow, and all other uh, BJP leaders, to just to market the BJP that they are getting a government in Meghalaya. This is totally how they betray the people of Meghalaya and how they market to the rest of India. Thank you. मैं बहुत संक्षिप्त में हिंदी में बोल देती हूँ जो पाला जी ने आपको अंग्रेजी में बोला, आपने खुद सुना और ये हमारे शब्द नहीं थे, मेघालय की सरकार वो ट्रांसफॉर्मर है वो जला हुआ फूका हुआ ट्रांसफॉर्मर है जिसको उखाड़ फेंको ये कॉनराड सांगमा जी की एनपीपी के बारे में वक्तव्य थे ये कि सबसे भ्रष्ट नंबर वन भ्रष्ट सरकार पूरे देश में है और पैसा आने के बावजूद पैसा आगे नहीं पहुंचता है भर्तियां नहीं होती हैं, भाई भतीजावाद है हर जगह पैसा चल रहा है ये मोदी जी के वक्तव्य हैं और एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जाएगा रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में इन सारे संगीन और गंभीर भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए मेघालय में, में यह भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का वक्तव्य था तो भ्रष्टाचार पर चुनाव की कैंपेन के दौरान बोला जाएगा लेकिन चुनाव की गतिविधि खत्म होने के बाद भ्रष्टाचारियों से ही गलबईया भ्रष्टाचारियों के साथ ही मिलकर सरकार बनाई जाएगी ये असली चाल चरित्र और चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का और छुटभ नेताओं ने नहीं इस देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के गृह मंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने पुरजोर तरीके से मेघालय की कॉनराड सांगमा की सरकार को जिसका वो हिस्सा थे सबसे भ्रष्ट सरकार बताया और यह कहा कि इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और अब उन्हीं के साथ हाथ जोड़ने को तैयार खड़े हैं दो सीट लेकर तो अगर ये पाखंड और ढोंग नहीं है तो और क्या और ऐसा पाखंड और ढोंग भ्रष्टाचार पे हमने लगातार कर्नाटक में देखा है हमने लगातार मध्य प्रदेश में देखा है हमने लगातार गोवा में देखा है लगातार उत्तर प्रदेश में देखा है लेकिन अब समय आ गया है कि इस पर चर्चा हो इस पर बात उठे कि कैसे भ्रष्टाचार पे बड़ी बड़ी डींगे हाकी जाती हैं जब चुनाव प्रचार किया जाता है और उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ एक साथ मिलकर लामबस खड़े होने को तैयार रहती है भारतीय जनता पार्टी अभी कर्नाटक का जो भ्रष्टाचार का संगीण आरोप है वो कहीं गए नहीं है ठंडे बस्ते में माडाल जी अभी भी 77 घंटे बाद फरार हैं ये एमएलए हैं भाजपा के अभी भी फरार चल रहे हैं उनके लड़के ने 40 लाख घूस लेते हुए पकड़े गए थे उनको रिजाइन करना पड़ा कर्नाटका सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड से लेकिन वो अभी भी फरार हैं कोर्ट भले पहुंच गए हो राहत के लिए और उस उस समय हमें यह सुनाई दे रहा और दिखाई दे रहा है कि कल सरकार का गठन होगा और भारतीय जनता पार्टी उस सरकार का हिस्सा बनेगी मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगी कि पहले अगर आप मोटो पे पूछ लें तो बड़ी कृपा होगी आपकी द इंडियन मीडिया डजन वॉन्ट टू क्वेश्चन चार्जेस ऑफ करप्शन दैट द रूलिंग स्टैब्लिशमेंट इज फाउंड डीपली एन ट्रेंच एन स्पीक्स नॉट अबाउट वे वी आर सॉरी नहीं नहीं आप अगर पूछना चाहिए तो आप पूछ भी सकते हैं जो बीजेपी के मेघालय के अध्यक्ष उनका बयान मैंने बीफ पर सुना था और मुझे अच्छा लगा था कि ऐसा बयान इतनी स्वतंत्रता से कोई भारतीय जनता पार्टी में दे सकता है दो शब्द की चुनौती देती हूं भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ऐसा बयान देश के किसी और हिस्से में जाकर बोल दे जहां पर संशय पर हत्या कर दी जाती है तो बीजेपी के अध्यक्ष मेघालय के जितना चुप रहे उनके लिए कारगर रहेगा बीजेपी के मेघालय के अध्यक्ष सिर्फ यह बता दें कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आके कहते हैं स्पेशल टास्क फोर्स नो लेस देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिटायर्ड जज के अधीन गठित होगा और वहां पर आप उस सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं और जहां तक आपने पॉसिक्यूशन की बात करी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की तो अगर वैलेंटाइंस डे पे युगल जोड़ियों को पीटा जाता है कालिक पोती जाती है उनके चेहरे पर या 25 दिसंबर को जब ईशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है दुनिया भर में आप उनकी मूर्तियां तोड़ते हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जब आप क्रिसमस मनाने जाने वाले लोगों का को सेंटा क्लॉज बने आदमी को पांच पांच लोग मिलकर पीटते हैं वो कौन सा लोकतंत्र है और वो कितनी हिफाजत कर रहे हैं किसी क्रिश्चियन की ये भी बताने का कष्ट करेंगे वो डी वॉन्ट टॉक अबाउट इट इन इंग्लिश द बीज आपका सवाल बहुत अच्छा है एक हमारा बयान निकाल कर दिखवा दीजिए जहां पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा हो कि हम स्पेशल टास्क फोर्स गठित करेंगे सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में क्योंकि ये नंबर भ्रष्ट सरकार है जिस सरकार का आप पांच साल हिस्सा रहे उसके खिलाफ आप प्रोब कराने की बात कर रहे हैं उसके खिलाफ प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक बोल रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं और अब आप उनके साथ गलवैया करने को तैयार और हम सवाल भी ना उठाएं ये तो नहीं होगा आपने हमारी महाराष्ट्र विकास अगाड़ी की बात करी बड़ा अच्छा जिक्र लाया क्योंकि हमने साथ मिलकर भाजपा के 33 साल के किले को ध्वस्त किया है कस्बा पेट पर अभी भाजपा उस हार से उबर नहीं पाई है और भाजपा ने हमारे अलायंस पार्टनर के साथ जो जो करना था महाराष्ट्र में वो वो करके लोकतंत्र को बिल्कुल क्षीण करने का काम किया है मैं आपसे पूछती हूँ आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कट्टरता का हमारे कौन से अलायंस पार्टनर ने कौन सी कट्टरता दिखाई है मुझे लगता है सवाल पूछना अच्छी बात है लेकिन आज की वस्तुता स्थिति को नकार दें हम और हम इस पर कुछ ना बोले वो शायद लोकतंत्र का भी असम्मान होगा जी बताएं। तो के पार्टी ऐसा है कि हम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है अगर आज राबड़ी देवी के यहां सीबीआई रेड कर रही है हम उसकी भर्सना करते हैं और इसलिए करते हैं क्योंकि यह कोई संयोग नहीं है कि चार गुना ईडी के केसेस बढ़ गए 2014 के बाद और पंचानबे प्रतिशत केसेस सारे के सारे विपक्ष के खिलाफ है आपकी आपकी ईडी सीबीआई आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो ऑलरेडी कर रहा है वो अडानी के घर नहीं पहुंचता है अडानी को एक नोटिस नहीं जाता है वहां उनके पोर्ट पर भैया मुद्रा पोर्ट पर लाखों करोड़ों रुपए की ड्रग्स पकड़ दी जाती एक एनसीबी की रेड नहीं होती है कोई चर्चा नहीं होती है तो हमारा जो स्टैंड एजेंसीज के दुरुपयोग पर है वो बिना संशय के बिना के एक ही बात है कि एजेंसीज का दुरुपयोग ऑपोजिशन के खिलाफ किया जाता है लेकिन जिस वाक्य का आप जिक्र कर रहे हैं एक ये भी सच है कि दिल्ली की शराब नीति उस वक्त बनाई जा रही थी जब दिल्ली बेदम होकर बिना ऑक्सीजन के तड़प रहा था और अगर यह नीति विदड्रॉ ना करी गई होती तो हर घर के नीचे शराब का ठेका खुलने का बंदोबस्त हो गया था महिला सुरक्षा या अराजकता को ताक पर रखकर तो यह सवाल कैसे नहीं उठेगा और यह सवाल इसलिए भी उठेगा कि जब विपक्ष बाकी विपक्ष के खिलाफ एक्शन करती है ये एजेंसीज़, चाहे वो हमारे नेता हो या चाहे वो बिहार में हो या चाहे वो महाराष्ट्र के नेता हो आम आदमी पार्टी एक शब्द नहीं बोलती क्यों नहीं बोलते वो आपको डिसाइड करना है कि आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है या आप विपक्ष में है और अगर आप विपक्ष में है तो आपको विपक्ष के साथ हर मुद्दे पे खड़ा रहना पड़ेगा और इसमें सबसे बड़ा पाखंड और ढोंग तो भारतीय जनता पार्टी का नजर आता है सात सांसद आपके थे आठ विधायक आपके थे तमाम काउंसलर आपके थे लेकिन जब यह शराब नीति बन रही थी तो सबको साफ सूंगा हुआ था उन लोगों की लिस्ट देख लीजिए जिनको फायदा पहुंचाने का काम आप करने वाली थी उसमें से अधिकांश तो भाजपा के डोनर लिस्ट में नाम आता है तो ये जो नूरा कुश्ती है इस पर हम कंफ्यूज बिल्कुल नहीं है हमारा स्टैंड क्लियर है कि आरोप बड़े गंभीर हैं आरोप के ओरिजिनल कंप्लेनेंट शिकायत करता हम हैं और इस पर बिल्कुल जांच होनी चाहिए लेकिन उसी सास में मुझे बिल्कुल भी संशय नहीं है यह कहने में कि अधिकांश जगहों पर आप ऑपोजिशन के खिलाफ ही अपनी एजेंसी को यूज करते हैं इनकी एजेंसी क्यों नहीं पहुंची अपने कर्नाटक एमएलए क्या जिनका लड़का चालीस लाख की घूस लेते हुए पकड़ा गया कहा यह एजेंसी यड्डी जी के खिलाफ जब अब उनका हाथ पकड़ के मोदी जी टहला रहे हैं क्योंकि इलेक्शन आ गए उनको गंभीर आरोपों के दौरान निकाला गया था तो ये तो दोहरा मापदंड है हम दोहरा मापदंड कहीं नहीं अपनाते ना बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड है मुझे तो लगता, तो तो लगता है कोई विपक्ष का दूसरा नेता कौन क्या कह रहा है उनका हम थोड़ी मुंह पकड़ के बैठ सकते ये सवाल ही अपने आप में बेमाना है हम दूसरा विपक्ष का कोई नेता क्या कह रहे हैं हम उस पर वो नहीं पकड़ सकते जैसे कि जब हमारे नेताओं के खिलाफ ईडी हर तरह की षड्यंत्र कर रही थी तो समूचा विपक्ष हमारे साथ खड़ा था लेकिन तब क्या किसी ने पूछा था कि समूचा विपक्ष खड़ा आम आदमी पार्टी क्यों नहीं खड़ी है राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी समूचे विपक्ष ने क्यों नहीं आम आदमी पार्टी ने उस पर साइन किया था तो जब आपके ऊपर आए तो सारा तंत्र वो हो जाए और जब हमारे ऊपर रहे तो आप एक चूना करिए ऐसे तो नहीं चल सकता है Two days back, I think less than 48 hours back, I had played some videos here. And those videos had Mr. Modi stating the most obnoxious things on foreign soil. From Seoul to Shanghai to, to Moscow to Toronto to the US to Abu Dhabi to Oman, wherever he has travelled, he has always spoken against India's political leaders. He has said things like Log te, paap kiya hai ki Hindustan Mepeda in Shanghai, on Chinese soil. He has said things like nothing happened in 70 years. He has demeaned India's freedom struggle. He has demeaned the institutions that we have built. He has demeaned an average Indian who works very hard and contributes to nation building. Is that not defaming India? And who are you talking about? That Golimaru Anurag Thakur, who actually got promoted because he was speaking venomous hate speeches. If he had not spoken that, he would have never graduated from being a minister of state to a cabinet rank. And I want to ask him when Rahul Gandhi talks about a world which is divided between America and China on two sides, and India can be that huge power with its democratic values and the values of Mahatma Gandhi, is he defaming India or is he actually lauding India's values? When Rahul Gandhi says on foreign soil, on British soil, that Indian democracy is a public good, I think we should be very proud about it. And instead, the BJP is finding facts to criticize it. What exactly is their position? And what do they have to say about the various statements that Mr. Modi has made? And may I please indulge me for 10 seconds also ask you a question? The BJP has issues with what Rahul Ji has said? Let us debate every issue in India's parliament. I challenge you. Are you willing to debate every issue in India's parliament? Are you willing to come forward and say, that when mr gandhi speaks about adani we will answer on adani when he speaks about high prices we will not say hum lesson pyaaz nahi khate when he speaks about unemployment we will not say pakoda tallo when he speaks on china we will not say koi ghusa hua nahi hai are you willing to debate you cannot and i challenge you they cannot debate these issues मुझसे सवाल पूछा गया अनुराग गोली मारो ठाकुर ने कुछ वक्तव्य दिया है राहुल जी पर अनुराग ठाकुर की जो पदोन्नति है वो उनके इस नफरती बयान के बाद हुई अगर उन्होंने मंच से ये घृणित नफरती बयान करके दिल्ली के दंगे ना भड़काए होते तो शायद उनकी पदोन्नति भी ना होती वो मंत्री राज्य स्तर के ही बने रहते कैबिनेट मंत्री बनने के लिए उनको नफरत का सहारा लेना पड़ा तो वो तो सबसे पहले पाठ ना पढ़ा वो मुझे बताएं किसने कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया इस देश में हिंसा भड़काने का पहला सवाल दूसरा सवाल प्रधानमंत्री मोदी ने चाहे वो चीन हो चाहे वो दक्षिण कोरिया हो या जहां पर भी वो जाते हैं चाहे वो मॉस्को हो चाहे वो ब्रिटेन हो चाहे वो ओमान हो धाबी हो टोरंटो, हो जहां पर भी वो जाते हैं वो देश के ऑपोजिशन के खिलाफ ही आग उगलते हैं जब वो कहते हैं विदेशी धरती पर कि सत्तर साल में कुछ नहीं हुआ तो वो देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का क्रांतिकारियों का और हर भारतीय का अपमान करते हैं जो दो जून की रोटी कमाकर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करता है और इसीलिए मैं पूछती हूं जब वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग 2014 से पहले कहते थे क्या पाप किया कि हिंदुस्तान में पैदा हो गए वो सम्मान बढ़ा रहे देश का या देश का सर झुकाने का काम करते हैं और मैं आपके सामने एक सवाल बोलती हूं और पूछती हूं राहुल गांधी जी ने क्या कहा राहुल गांधी जी ने कहा एक दुनिया जहां पर अमरीका और चीन लड़ रहा है वहां पर हिंदुस्तान की जो लोकतंत्र है वो इस विश्व के लिए सौगात है और हमारी बड़ी अहम भूमिका होगी इसको तो सिर माथे लेना चाहिए और ताली बजानी चाहिए भाजपा के लोगों को लेकिन इन ना समझो को ना समझ है और ना देश से प्यार है और अंत में एक बात कहती हूं आपको लगता है राहुल गांधी जी ने कुछ गलत कहा है तो आइए बात हो जाती है सदन में बात कर लीजिए लेकिन शर्त एक ही है जब वो अडानी पर बोलेंगे तो आप कांपते हाथों से पानी नहीं पीजिएगा आपको अडानी पर बात करनी पड़ेगी जब वो महंगाई पर बोलेंगे तो हम लहसन प्याज नहीं कह के कहते हैं, आप भाग नहीं जाइएगा जब वो बेरोजगारी पर बोलेंगे तो पकौड़े तलने को नहीं कहा जाएगा और जब वो चीन पर बोलेंगे तो आप सारे देश के सामने बिना पलक झपकाए ये झूठ नहीं बोल सकते कि कोई घुसा हुआ नहीं है अगर आप में हिम्मत है तो आइए हर मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं पार्लियामेंट में आप में हिम्मत नहीं है आप में सिर्फ दुष्प्रचार करना है और आपको अधिकांश चरण चुंबक जो बन चुका है मीडिया उसका सहारा है अगर वो सहारा ना हो दो दिन आप टिक खड़े नहीं रह सकते आई थिंक इट्स रॉन्ग बिकॉज गांधी हिमसेल्फ एंड कैंपेन राहुल गांधी केम टू शिलॉन्ग एंड ही campaigned. Uh, uh, Rahul Gandhi came to And uh, not only Rahul Gandhi, most of the senior party leaders from the Congress, they came and campaigned. So I think uh, that's I think not I think the I case. No, it, I, it may be, it may be, but uh, we also, we have campaigned extensively in Meghalaya, right from, uh, uh, right from uh, the uh, members from the state, as well as member from the central, they've campaigned, Salman Khurshid came and also jairam ramesh uh, ji came so many of them came to meghalaya even sachin pilot and all came so there's no short of the uh, uh, senior party leaders from uh, delhi who came to meghalaya thank you if s j shankar stood the threat about china he would not tell chinese that we are a smaller economy and you are a larger economy and how do we go and attack them is that not what he said in his interview mr s j shankar should actually resign from his position if he had if he had inch and an iota of morality in him he should resign and if there was an inch and an iota of morality or moral compass alive in the modi government he should be sacked for making a blasphemous statement like that because in one single stroke he has actually demeaned our forces. He has put everyone to shame. Thank you. Thank you. Thank you.